गोरखपुर भेज देते हैं। और नीचे किस उनकी जो ये भावना है हाँ, ये साफ साफ प्रदर्शित होती है कि वो किस अभी तो 27 में आएंगे, अरे जनता उनको भेजेगी तब आएंगे ना, इसके पहले भी वो सरकार में रहे हैं और जनता के लिए क्या क्या किए हैं। आज सरकार में वो बुलडोजर भेजने, क्या गोरखपुर में समाजवादी पार्टी नहीं है क्या? अरे बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ अवैध लोग जो है कब्जा किए होते हैं। और कभी भी इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डरने वाले नहीं हैं। बुलडोजर सतत प्रक्रिया अवैध निर्माण पर चलेगा और जितने अवैध लोग उनके शासन सत्ता काल में अवैध कब्जा किए हैं वो खाली होगा, चाहे वो जितना ये घुड़की धमकी देते हैं, क्योंकि शुरू से उनकी पार्टी और वो उनका यही काम है धमकी देना घुड़की देना। अभी 27 बहुत दूर है, वो 29 में भी सपना नहीं देख पाएंगे और उसके आगे भी नहीं देख पाएंगे। फिर से इस देश में उत्तर प्रदेश में हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और बुलडोजर का सपना हो अपना सपने की तरह नींद में। आपने कहा है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके करेगा, अभी योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ का अनर्थ है, आप कुछ भी निकालते रहिए। निश्चित रूप से जो देश अभी अभी आपने देखा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है और आप सभी ने देखा, बांग्लादेश देखा है ना क्या हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें बंटना नहीं चाहिए जातियों में। जाति जाति का जो राग अलाप रहे हैं, हम सब भारतीय एक हैं, हमें कटना नहीं चाहिए, हमें एक होकर के एकता और अखंडता के लिए लड़ना चाहिए, इस देश के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो जो कहे हैं एकदम सत्य है, हमें कभी नहीं बंटना चाहिए, हमें एक होकर लड़ना चाहिए। और कोई भी गुमराह करे, जाति जाति दिखाए इस देश में, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और सबका काम करते हैं। और निश्चित रूप से अवैध काम, अवैध जो भी निर्माण हुए होंगे, अवैध कब्जा होगा, उस पे बुलडोजर चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। आखिर अखिलेश ने